आंदोलन में पत्रकार पहुंचते थे तो आंदोलनकारी अपने सिर का कपड़ा उतार कर बिछा के बैठाते थे, उन्हें उनकी इज्जत करते थे, चाय बिस्कुट पूछते थे। आज ये हालत क्यों पैदा हो गई कि आंदोलनकारी नारे लगाते हैं, गो बैक के नारे लगाते हैं। गजब बेइज्जती है। जय हिंद दोस्तों, मैं सरफराज, आप देख रहे हैं अली साइन ऑन। जैसे राजकुमार भाटी सवाल करने लगे तो हमारा जो पत्रकार नाभिका कुमार है ना, कैसे अनर्गल बकने लगी, कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब भी हमारा जो विपक्षी पार्टी सवाल करती है तो हमेशा पब्लिक विपक्षी से क्यों सवाल करती है, क्योंकि सत्ताधारी से क्यों सवाल नहीं करती, ये समझ में नहीं आता। हर गोदी मीडिया का यही फंडा रहता है, जब भी पब्लिक सवाल करती है तो रूलिंग पार्टी से नहीं करती है। अब चलिए आगे वीडियो देखते हैं और इसमें क्या होता है उसके ऊपर हम रिप्लाई करते हैं। प्रियंका जी 180 कह रही हैं, ममता जी 200 कह रही हैं, केजरीवाल जी 230 कह रहे हैं। अब नंबर ही सही नहीं है तो स्ट्रेटेजी क्या होगी? मुझे पूरा भरोसा है कि नाविका जी ने समय नोट किया होगा और जितनी देर तक सुधांशु जी को नहीं टोका था, मुझे भी नहीं टोका जाएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, आप तो तुरंत ही टोकने लगे। ये बाबूराव का स्टाइल है, हम तो बोले ही नहीं थे, आपकी बहुत नहीं, नहीं, मैंने ये कहा जब टाइम काउंट करिएगा तो अपने सहयोगी का टाइम गोल कर दिया। मैं ये चलती है या नहीं चलती डिबेट में? सहयोगी का टाइम आपके साथ जुड़ गया है। और मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, आपकी और आपके साथ खड़ी हुई जो अलायंस पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, आप लोग सबसे ज्यादा चुनाव में लड़ते किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ नहीं, पत्रकारों के साथ। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। क्योंकि पत्रकार हैं जो ना गोदी मीडिया होते हैं, पत्रकार जो होते हैं ना, जब अगर पत्रकार सही पत्रकारिता करते हैं तो क्यों हमारा जो है ना कांग्रेस पार्टी का जो प्रवक्ता है वो क्यों लड़ते हमारा पत्रकार से? क्योंकि पत्रकार जो है ना हमेशा ही विपक्षी रूलिंग पार्टी के ही सपोर्ट में रहती है, ऐसा क्यों होता है? अगर जो हमारा पत्रकार होते हैं ना वो अगर सवाल करते हैं रूलिंग पार्टी से तो हमारा जो अपोजिट पार्टी है कभी सवाल नहीं करती पत्रकारों से। चुनाव लड़ो, मैंने तो भरोसा जताया। नहीं भरोसा, अगर आपको भरोसा जताना भी खराब लग रहा, मैं अपना वापस भरोसा इतना कि जब भी बोलना शुरू करे तो इसी से शुरू करते हैं, हमें समय कम मिलता है। अरे भाई सिंपथी वोट नहीं मिल रहा, यहाँ वोट लो और खुल कर लो। ओके, हम मोदी जी की तरह नहीं कर रहे कि किसी दिन तो जिलों की कैपिटल पूछने लगते हैं कि बताओ किस किस जिले की क्या क्या, ये तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता होगा कि जिलों की राजधानी भी होती है। हमने तो जो कोर्स पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे कोर्स में तो नहीं पढ़ाया गया कि जिलों की भी कैपिटल होती है। कभी मछली, कभी मुसलमान, कभी मंगलसूत्र, फिर इनसे भी मन नहीं भरा। भैंस बोले जिसके पास दो भैंस है, एक भैंस कांग्रेस छीन ले जाएगी। मैं देख रहा था किसी रिपोर्ट में कि देश में 15 करोड़ भैंस हैं, अब 7.5 करोड़ भैंस कांग्रेस कहां ले जाके बांधेगी? बात सही है, अगर एक एक भैंस छीन लेगी तो 7.5, इतनी लंबी खोर कहां से बनाएगी कांग्रेस जिसपे वो भैंस चारा खाएंगी? आपने अभी कहा राजकुमार भाटी जी, बेटी की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप जिस शहर में खड़े हैं उसी शहर में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर यहाँ से टाइम्स नाउ की बेटी, टाइम्स नाउ नवभारत की बेटी पर हाथ उठा है, कुछ निकलेगा आपके मुंह से? क्या हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन दो वाक आपकी इजाजत से बोलना चाहूंगा। हमने देखा, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हर्षवर्धन जी भी होंगे और लोग भी सहमत होंगे, हमने देखा किसी आंदोलन में पत्रकार पहुंचते थे तो आंदोलनकारी अपने सिर का कपड़ा उतार कर बिछा के बैठाते थे, उन्हें उनकी इज्जत करते थे, चाय बिस्कुट पूछते थे। आज ये हालत क्यों पैदा हो गई कि आंदोलनकारी नारे लगाते हैं, किसान आंदोलन में? ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर गोदी मीडिया के लिए एक शब्द लिखें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।